टाटा IPL 2024 का मैच नंबर 50 जो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। हैदराबाद टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और जब हैदराबाद बैटिंग करने आई तो पावर प्ले में इतनी धीमी शुरुआत की थी कि मात्र 37 रन ही बना पाई थी, जो हैदराबाद का इस सीजन का सबसे लोअर स्कोर है पावर प्ले में। इसके बाद जो पीटना चालू किया राजस्थान के बॉलरों को कि उसकी नानी याद आ गई होगी, खास करके ये शुक्ला को। ये शुक्ला अपने 4 ओवरों में टोटल 62 रन ठोकाया है और विकेट का कॉलम भी शून्य है। मार के धागे उधेड़ दिया इसकी गेंदबाजी में। इसके अलावा 440 बोल्ट भी अपने 4 ओवरों में 33 रन और यवेश खान भी अपने 4 ओवरों में टोटल 39 रन दिया है, हालांकि 2 विकेट भी झटका है। और वहीं बात करें SRH की बैटिंग की तो ये नीतीश रेड्डी जो अपने 42 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्के की मदद से 76 रनों की पारी खेली। इसके अलावा ये महबिरवा वाला ट्रेविस हेड भी 44 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली। और अंत में ये हेनरी क्लासेन भी 19 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 42 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से SRH एक विशाल 201 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। और वहीं जब राजस्थान रॉयल्स 201 रनों का पीछा करने उतरा तो अपने पहले ही ओवर में जॉस बटलर और ये सैमसंग का विकेट भी गवा दिया। सैमसंग का जिस बॉल पे किल्ली उखड़ी वो क्या बॉल थी, वाओ, गजब की इन स्विंग थी भुवनेश्वर कुमार की। इतनी अच्छी गेंद फेंकने के बाद भी भुवी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बाद जयसवाल और ये पान पराग के बीच में बड़ी साझेदारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान इसे आसानी से चेस कर जाएगी, लेकिन इसके बाद चमत्कार हुआ कि SRH इस मैच को 1 रन से जीत गया और इस मैच के हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार जो अपने 4 ओवरों में 3 बड़े विकेट लिए। तो दोस्तों आपको नहीं लगता है काश भुवनेश्वर कुमार भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होते?